अस्सलाम वालेकुम, एशिया टुडे न्यूज के साथ मैं हूं आमना खुर्शीद और आप देख रहे हैं टुडे विद आमना प्रोग्राम। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रो जेंडर स्पोर्ट फाउंडेशन की चेयरमैन सबा गुल, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काफी अरसे से अपने तबके के लोग यानी ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए काम कर रही हैं। उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उनके हकूक के लिए आवाज उठाती हैं। रिसेंटली जो उन्होंने अभी अपना इदारा कायम किया है जो उनके हकूक के लिए कायम किया गया है, उसके हवाले से बात करते हैं। जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपने इदारा कायम किया है गरीब बच्चों के लिए और खास तौर पर अपने तबके के लोग जो कि ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, उनकी तालीम, उनकी परवरिश, उनको आला तालीम फराहम करने के लिए जो आपने इदारा कायम किया है इस नाम से, प्रो जेंडर स्पोर्ट फाउंडेशन के नाम से, उसके आप चेयरमैन भी हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वह क्या है और कैसे कायम किया गया है। हमारे सियासी लोग जो थे, इन लोगों ने सिर्फ हमारे ट्रांसजेंडर के ऊपर क्या और गरीब तबके के ऊपर भी कभी भी अपनी नजर सानी नहीं की। उसकी वजह क्या थी, यानी कि जब हम प्राइम मिनिस्टर जब चुनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर 22 करोड़ आवाम के लिए होना चाहिए, ताकि अपनी सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए सियासी लोगों ने जब मुझे बढ़ाया था, मुझसे सवाल पूछा गया था, आप इस पे हुए थे, तो मैंने रिटर्न में जवाब यही दिया, अल्लाह के अलावा हम किसी पे भरोसा और इतबार जो गरीब तबका के लोग थे, हम उनको जेल प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि डबल बेड और साथ सुखेल सिंगल बेड साथ लगा इस तरह। जब अगर किसी ने प्रतिशत तक प्रतिवाद कर दिए तो उसको हम गरीबों को हम सुबह रात को हम खाना देते थे, वही में का खाना। और इसी के साथ मैंने रावत पिंडी के अंदर मरी लॉन के दादा साहब ने 26 नंबर में कनूर में जे दामन में इस्लामाबाद और तमाम भरी में चेंज स्पोर्ट होती है, यानी कि उनकी मैंने बहुत रोड पार कर कुछ आर्मी वालों से कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से मिलते जाते करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्कूल जो है वो ओपनिंग करवाए। इसके साथ इस नंबर में एहकाबाद में कुशाब में 3 से 4 मेरे मदरसे चाहते हैं जिसमें ट्रांस भी पढ़ते हैं, और गरीब तबके के जो लोग हैं जो दीन को नहीं समझ सकते थे उनके लिए दीनी किताबें हैं, कुरान है, नाजरा है, हिफ्स है, इस तरह के इंतजाम देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने जैसा कि मुझे इसमें आपने जिक्र किया है कि किसी ने, जब आपने ये कहा इस इदारे के बारे में बनाने का, तो किसी ने आपको कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो मुझे ये बताएं कि फिर किस तरह से आपने इसको प्रॉपरली स्टार्ट किया इस इदारे को अपने। तो मैं यानी कि वही आइडिया लेकर बताती हूँ लोगों को, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सिकेट होने चाहिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ब्रैकेट से हटाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे हैं टिकट को काम के तहत से हटाकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत से बार अच्छा मजबूत काम करना चाहिए, जिसको आपके मौके खड़े होकर अच्छा कुछ पास। बिल्कुल, तो मुझे ये बताएं कि आपका ये जो इदारा है जो आपने कायम किया है, इस वक्त इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो कि स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को ही प्रोवाइड की जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत सारे जबान से जो बुरे लोग हैं वो हैं, बहरे लोग हैं, छोटे दिमाग वाले लोग हैं, छोटे कान वाले, जितने भी इस जगह के अंदर इस
ठीक है, और क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, मतलब उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, तालीम प्रोवाइड की जा रही है, साथ में रिहाइश, खाना पीना सब कुछ, मतलब इसमें से क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? ठीक है, अच्छा तो मुझे इसके साथ ये बताइएगा कि इस इदारे को कायम करने के लिए जो मुश्किलात आपको पेश आई, जाहिर सी बात है कि कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई किसी के उनके हक के लिए आवाज़ उठाना कोई आसान बात नहीं है, तो आपको जैसे आपने बताया कि थ्रेट्स भी मिली हैं, तो उसके अलावा क्या क्या मुश्किलात आई कुछ फाइनेंशली या किसी भी तरह की? बिल्कुल ठीक है, तो आपने आपका जो शेल्टर होम है उसके बारे से मुझे बताइएगा कि उसको गवर्नमेंट की जो लीगैलिटी है वो कैसे हासिल है? ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक स्पेशल जो सोसाइटी है ट्रांसजेंडर्स के लिए वो आप लॉन्च करने वाली हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल जो जगह मुख्तस करवाई गई है, कोई अलॉटमेंट करवाई गई है उसके लिए? ठीक है, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको आप शेल्टर होम प्रोवाइड करती हैं, अपने पास रखती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, आप तक अप्रोच कैसे करते हैं? और अपनी
अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जितने भी ट्रांसजेंडर इस वक्त आपके शेल्टर होम में मौजूद हैं, वो आप तक किस तरह पहुंचते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं, उसके बाद उनको आप शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और तमाम तरह की फैसिलिटीज? पाकिस्तान के अंदर से कभी भी अनलीगल जो एक्टिविटी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये हमारे बहुत सारे ग्रुपों में वीडियोस चलती हैं, जो हमारे वॉइस मैसेज चलते हैं उन लोगों तक, यानी कि ये सिर्फ थोड़े से शहर के अंदर नहीं, ये बहुत सारे ऐसे सिंध में आप देख लें, कराची में देख लें, कोटा बलूचिस्तान में देख लें, आज़ाद कश्मीर में देख लें, कभी में देख लें, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इस आवाज़ को बुलाने के वो मेरे साथ जंजीर जुड़ा गया। फिर इसी तरीके से मैं व्हाट्सएप के ग्रुपों के थ्रू या मैं वीडियो के थ्रू उन लोगों को अवेयरनेस देती हूँ, उनको आगाही देती हूँ। हमारे जो हकूक हैं उनके ऊपर आप लोगों ने खुद एक जंग लड़नी, उन लोगों ने यानी कि माशाल्लाह यानी कि आप थोड़े मेमोरी लोग नहीं हैं, 3,05,000 बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, जो यानी कि मैंने बार बार जो कहा उन्होंने उस चीज़ को समझा, उस पर अमल किया। आप यानी कि अगर मैं व्हाट्सएप के मैसेज जो है उनके अगर आवाम को सुनाऊँ, यानी कि किस तरह यानी कि दिल खोल खोल के उठा उठा कर मुझे दवाएँ दे रहे हैं, यानी कि आप जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं तो वैसे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी सेंटर के अंदर अगर ट्रांसजेंडर सारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। शहर में यानी कि वो आज़ाद है कि एक सेंटर बना कर बैठे हुए हैं, अपने लेकर तरीके से रोजी पानी कमा रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर इनकी तरफ है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। हमसे जो हो सकता है यानी कि उससे भी 70 गुना ज़्यादा हम सोच रखकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो शेल्टर होम है जिसकी आप चेयरमैन हैं, उस शेल्टर होम में जो ट्रांसजेंडर्स आपके पास आते हैं वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के जरिए आपके पास आते हैं या किसी से सुन कर आते हैं, या उनको बताया जाता है, या उनको खुद लेकर आया जाता है? जी जी बिल्कुल, यही मकसद है यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं वीडियोस टिकटॉक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं, ग्रुपों में शेयर होते हैं, यानी कि उसमें हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ से लोग खुद ही यानी कि कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमारे तक खुद पहुँचाते हैं, हम घरों में किसी को नहीं लेकर आते। अच्छा अच्छा, घरों में नहीं पाए यानी कि हमारे लिए प्राप्त जो होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सभा कहाँ जा रही है, किस शहर में, यानी दूसरों मुझे बहुत सारे फ्रेंड मिलने शुरू हुए। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसमें से भी जो कागजात नामजदगी हैं इलेक्शंस के लिए वो जमा करवाए गए हैं, तो उसके हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा कि आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट कैसे करेंगे? Thank you.
आइंदा आने वाले दिनों में आपका क्या इरादा है इलेक्शंस के हवाले से?